अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ महमूद अली और आप देख रहे हैं सीक्रेट न्यूज़। नाज़रीन, देखने में ज़ाहरी तौर पे तो जो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई थी जिस केस ने, दुआ ज़हरा के मामले की बात कर रहा हूँ मैं, वो ज़ाहरी तौर पे तो उसका ड्राप सीन हो गया और ख़बरें भी यही आ रही हैं कि ज़हरा केस का ड्राप सीन हो गया। लेकिन ड्राप सीन के अंदर मुझे एक स्टोरी नज़र आ रही है जो बड़ी ख़तरनाक अलामत का इजहार कर रही है। कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क्स हैं जो मैं वी लॉग के स्टार्ट में जिनका इजहार करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो बच्ची के उम्र है उसका तयन का मामला है कि बच्ची की उम्र 18 साल है या 14 साल है, और इस मामले के तयन के बग़ैर ही जज जहीर के साथ बच्ची को कैसे भेज सकते हैं। अगर उसकी उम्र 14 साल है तो ना तो ये निकाह पाकिस्तानी कानून के मुताबिक बनता है और ना ही बच्ची को साथ जाने दिया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि वालदैन ने अभी बच्ची के मिल जाने के बाद भी इस बात का इजहार किया कि बच्ची को अगवा ही किया गया है और ज़बरदस्ती जो है उसका बयान दिलवाया गया है। दूसरी बात ये जो बच्ची ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उसका वालद ज़ैनुल आबिदीन के साथ उसके घर आया और उसे यहाँ पे वो करने की कोशिश की, जबकि उसके बाप का कहना ये है कि उसे तो इस बात का इल्म ही नहीं और पुलिस भी बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँची है, और अगर मुझे इल्म होता तो मैं पुलिस को बरवक्त बता के अपनी बेटी को पुलिस के ज़रिए मंगवा लेता। बाप की बात में ज़्यादा ज़ोर नज़र आ रहा है कि ये बात ज़्यादा करीने के आस है कि बाप को पता होता तो बाप बताता। दूसरी बात, वो जिस लड़के ज़ैनुल आबिदीन की बात कर रही है जिसका कज़न पुलिस को चूंकि पहले से ही पता चल चुका था कि जो उसका कज़न आता जाता है उनके घर में, तो पुलिस ने इंटरोगेशन के लिए उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और वो अभी अगर पुलिस की कस्टडी में ही था और मुमकिन है कि दुआ ज़हरा को इस बात का इल्म ना हो और उसने उसका भी नाम ले दिया और एक झूठी कहानी घड़ी। बहरहाल दुआ ज़हरा का जहाँ पे ये कसूर है कि वो एक नौजवान के या किसी के वरगलाने में आ गई और ट्रैप होके वो घर से निकल गई, लेकिन कुछ चीज़ें बुनियादी तौर पे हैं कि बयानात में बिल्कुल तजाद पाया जा रहा है। तीसरी अहम बात ये कि पुलिस के हाथ लड़की का नकानामा कैसे लगा, और अगर उन्होंने भाग के चोरी छुपे शादी की थी, निकाह किया था, तो ये निकाहनामा सामने क्यों लाया गया, और ऐसी सूरत में सामने लाया गया कि निकाहनामा सामने आ गया लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि वो कहाँ हैं। तो नाज़रीन, ये बुनियादी सवालात हैं जो उठाए जा सकते हैं दुआ ज़हरा के केस में, और ये पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात बेशुमार वाक़यात पेश आते रहे हैं कि अगवा मासूम बच्चियों को, छोटी बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है और फिर अपने मज़मूम मकासद के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसी सूरत भी होती है कि ज़ाहरी तौर पे उनका किसी से निकाह भी करवा दिया जाता है लेकिन पीछे बासर शख्सियात मौजूद होती हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ मामलात इस किस्म के हैं कि कुछ मामलात तो बिल्कुल इब्तदाई तौर पर कराची पुलिस की तहकीकात में क्लियर हो चुके थे। जहाँ तक बच्ची की उम्र का के तयन का मामला है तो उसमें तो आप ये देखें कि जब पुलिस वहाँ पर इंटरोगेट कर रही थी, जो इंटरनेट की एक्सेस को जब उस पर तहकीकात की गई तो वहाँ एक टैब नज़र आया जो लॉगिन था ज़रिए इंटरनेट, और उस पर एक क्वेश्चन सर्च किया गया था कि 14 साल की उम्र में निकाह हो सकता है या नहीं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो उन्हें तफसील मिली है कन्वर्सेशन की, जो गेम के ज़रिए पबजी मारूफ गेम है इसलिए मैं उसी का नाम ले रहा हूँ, तो गेम के ज़रिए जो गुफ्तगू सामने आई उसमें ये था कि वो लड़का लड़की को घर से भागने का कह रहा है और बिल्कुल उनके वालदैन से शादी के या रिश्ते के सिलसिले में कोई राबता नहीं किया गया। अच्छा, तो
अगर किया गया होता तो ज़ाहिर है वालद को पता होता कि फ़लां जगह से रबता किया गया था, तो बच्ची वहीं पे गई होगी और वो पुलिस को बता देता और ये मामला आसानी से हल हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सिर्फ वरगलाया गया बच्ची को, और बच्ची को घर से भागने का ही कहा गया, और बच्ची घर से जब निकलती है तो सीसीटीवी फुटेज में जो चीज़ सामने आती है कि एक ट्रांसपोर्ट जैसे शाह और डाला टाइप गाड़ी होती है जिसमें कोरियर के लिए जो इस्तेमाल होती है, वो दरवाज़े के आगे आकर रुकती है और उसमें बच्ची बैठ के जाती है, जिसे ज़ाहिर तो उसके वालद ने डिनाई किया कि इस तरह नहीं गई। अच्छा, अगर सीसीटीवी फुटेज को भी सही मान लिया जाए और बच्ची उसी में गई है, तो अब जो लड़के जहीर का बयान सामने आ रहा है, उसने कहा कि वो रेंट की गाड़ी पे यहाँ पे पहुँची है, तो ऑब्वियसली जिस रेंट की गाड़ी पे बच्ची पहुँची है उसे भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है और किया जाएगा, लेकिन इसके पीछे मुझे कोई बड़े हाथ नज़र आ रहे हैं जो नहायत असर रसूख के हामिल हैं और जो इस केस को सोशल मीडिया पे वायरल हो जाने के बाद ऐसे हैंडल करना चाह रहे हैं कि वो उनके चेहरे छुपे रहें और सामने कुछ नज़र ना आ सके। पहली बात तो ये कि लड़का लाहौर का है और बच्ची भी लाहौर के ही लड़के से उसकी शादी हो रही है, लेकिन ओकाड़ा जो है वो इन्वॉल्व है इस पूरे केस में, और डॉन न्यूज़ ने एक दिन पहले खबर जो ब्रेक की थी उसमें कहा गया था कि ओकाड़ा के किसी ज़िम्मेदार के घर है बच्ची, और जबकि ये भी अब आज की खबरों में ये बताया जा रहा है कि इसका चचा जो है वो वहाँ पे ओकाड़ा में रहता है पाकपतन में, जहाँ से बच्ची जो है ना वो उसे लाया गया, और बच्ची फिर जहीर के साथ जो गई है वो ओकाड़ा ही चली गई है। क्यों? कि उसके वालदैन को जब तलाश करने के लिए उसके घर को ट्रेस करने के लिए या ट्रेस किया करने की कोशिश की गई तो वो यहाँ पे नहीं था। तो बहरहाल मेन जो करैक्टर मैं समझता हूँ वो जो ओकाड़ा का वो ज़िम्मेदार है, जो वो चचा है या चचा नहीं है, वो बुनियादी चीज़ है, उसका चेहरा सामने आना चाहिए और उसे सामने लाया जाना चाहिए। अच्छा, और फिर जो जज साहब बच्ची को दोबारा उधर ही भेज रहे हैं, इसका मतलब के पीछे कोई बाअसर लोग मौजूद हैं जो बच्ची को जो है ना इस बावजूद इसके कि उसकी उम्र का तयन नहीं हो रहा है, और अगर बच्ची 14 साल की, और बच्ची 14 साल की है क्योंकि जो पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में इंटरनेट एक्सेस पे ये क्वेश्चन सामने आ रहा है कि वो 14 साल की है, उसके बाद उसका बाप कह रहा है कि मेरी शादी को अभी 18 साल नहीं हुए, तो बच्ची 18 साल की कैसे हो सकती है? फिर उसके बाप के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिससे पता चल रहा है कि बच्ची 14 साल की, और बच्ची अगर वाकई 14 साल की है तो फिर निकाह पाकिस्तान के कानून के मुताबिक नहीं हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता है ये सब चीज़ इलीगल थी, तो फिर जज साहब बच्ची को कैसे भेज सकते हैं? और फिर ये वाकया भी कहीं पेश आया है कि SHO थाना वादत कॉलोनी जो है उन्होंने हरासा करने की कोशिश की है बच्ची के घर वालों जहीर के घर वालों को, तो जज साहिब ने बाकायदा वार्न किया SHO वादत कॉलोनी को कि उन्हें हरासा ना किया जाए। तो बहरहाल पीछे कोई बासर हाथ मौजूद है और इस केस को इतना हल्का नहीं लिया जा सकता है जितना समझा जा रहा है, और इसका ड्रॉप सीन जो हुआ समझा जा रहा है कि ड्रॉप सीन हो गया तो वो भी नहीं हुआ है, और अब ये देखना ये है कि बच्ची का वालद अपनी बेटी के लिए कितनी फाइट कर सकता है और इस फाइट में सोशल मीडिया क्या किरदार अदा करती है। सोशल मीडिया को तो सीधी सी बात है, सबसे पहली बात कि जो इज़्ज़त गंवाई है उस शख्स ने, जो इज़्ज़त रुस्वा हुई है उसकी, और उसकी बेटी ने जो उसे जलीलो रुस्वा किया है उसमें उस शख्स के ज़ख्मों पर मरहम रखने की ज़रूरत है, और इससे पहले मरहम रखने की ज़रूरत है कि वो इस ज़िल्लत के हाथों खुदकुशी करके मौत की वादी में चला जाए, उसे सहारा और दिलासा देने की ज़रूरत है। और अगर वो ये जंग लड़ता है कि उसकी बेटी के साथ कोई और हाथ हुआ है, किडनैपिंग हुई है और ज़ाहरी तौर पे किसी के साथ उसकी शादी करवा दी गई किसी ऐसे शख्स के साथ जिसके ज़रिए उसे वरगलाया गया, और ऐसे केसेस मौजूद हैं, ऐसे मामलात मौजूद हैं, ऐसे गैंग्स मौजूद हैं, ऐसे गैंग्स मौजूद हैं जो ये काम करते हैं, तो बहरहाल इस केस की तह तक जाने की ज़रूरत होगी। और बख्तावर भुट्टो ने भी कहा था कि बच्ची 14 साल की है, और अगर 14 साल की है तो निकाह का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये इलीगल
ایفنس ہوگا، تو ان سب چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور سوشل میڈیا کو اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے اور ان معاملات پر سوچنے کی ضرورت ہے. اور اگر ناظرین آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اور مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. خدا حافظ. ہماری کاوش آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے.